अपने आप आएगी के उस लड़ा उड़ा नहीं है ना। नमस्कार दोस्तों, सीधी जिले से बड़ी दुखद घटना निकलकर सामने आ रही है। जहां आप लोग बता दें कि आज सुबह एक बस पलट गई। सीधी जिले की यह घटना बताई जा रही है, जहां बता दें कि सुबह करीब 10 बजे के लगभग मड़वा से सीधी आ रही विक्रम बस दरिया ग्राम पंचायत पुल के पास पलट गई। मामला बझौली थाना टिकरी चौक के अंतर्गत बताया जा रहा है। यात्रियों से भरी बस पलट गई है, जहां पूरी घटना करीब 10 बजे के लगभग बताई जा रही है। घटना के बाद एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय लाया गया, उसमें एक जननी एक्सप्रेस भी शामिल थी जो को जिला चिकित्सालय लाने में तत्पर थी। जहां इस दुर्घटना में एक की मौत बताई जा रही है, वहीं 33 घायल हैं और एक युवक की हालत बहुत ज्यादा गंभीर होने के कारण उसे रीवा रेफर कर दिया गया है। लगातार बने रहिए तरंग 24 न्यूज पर, आपको इसकी अपडेट मिलती रहेगी। कितनी एम्बुलेंस इसमें लगी रही? इस पूरे 7-8 एम्बुलेंस लगी थी, एक हमारी ये ताला की और तमसार की, सिमरिया 108, तमसार 108 और सीबीपी 108 गई थी और दो जननी जननी भी लगी रही। हाँ, जननी भी लगभग 5-6 एम्बुलेंस लगी रही। हाँ, क्या कंडीशन देखी गई वहाँ पर? कंडीशन हो गया, गाड़ी पलटी हुई थी, सब पे मरीजों को चोट लगी हुई थी। वहाँ सीरियस इतने ज़्यादा, मतलब जो सीरियस पेशेंट थे उनको पहले लाया गया, इसके बाद फिर भेज दिया गया। कितने मरीजों का आंकड़ा होगा लगभग? आंकड़ा लगभग मान लीजिए 20 से 25। अच्छा,